कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र की क्लास में आपका बहुत स्वागत है। उत्पादन और व्यवहार और पूर्ति, इसके पहले अपन ने आसमान सीमांत उत्पादन का विषय पढ़ा था। अब पढ़ेंगे अपन औसत औसत सीमांत औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत और औसत कुल लागत। तो ये औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत कुल लागत, ये क्या है, इनकी आप इनको समझाइए। एक इस टाइप का भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो अल्पकालीन औसत लागत कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। तो अल्पकालीन औसत लागत कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत कुल लागत। तो ये तीन प्रकार की क्या होती है, लागतें होती है। फिर है औसत स्थिर लागत क्या होता है? तो औसत स्थिर लागत कुल स्थिर लागत की, मतलब कोई भी जो फर्म है उसकी कुल उत्पादन की मात्रा पर, मतलब जो उत्पादन किया गया, मतलब जो कुल मात्रा आई उस पर भाग दिए जाने पर इसे प्रति इकाई लागत भी कहा जाता है। अर्थात औसत स्थिर लागत बराबर कुल स्थिर लागत, मतलब जो फर्म की कुल स्थिर लागत है उसके उस पर भाग देंगे इकाई का अपन उत्पादन में, तो क्या प्राप्त होगा, औसत स्थिर लागत क्या होगी, प्राप्त होगी। तो औसत स्थिर लागत क्या होती है? तो इसमें कुल स्थिर लागत को कुल उत्पादन की मात्रा से क्या करते हैं, भाग दिया जाता है, तो क्या प्राप्त हो जाती है, औसत स्थिर लागत क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। तो इसके बाद वो आएगा कुल परिवर्तनशील लागत क्या होती है? तो कुल परिवर्तनशील लागत, कुल परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा में वृद्धि किए जाने पर, मतलब कोई भी उत्पादन है उसकी मात्रा में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो वह क्या होगी, बढ़ती जाएगी, उन्नत दर क्या होगा, में वृद्धि होगी। और चूंकि अल्पकाल में उत्पादन के क्षेत्र में परिवर्तनशील उत्पादों का नियम क्या होता है, इसमें लागू होता है। जो अल्पकाल में उत्पादन के क्षेत्र में क्या होता है, परिवर्तनशील नियमों अनुपातों के नियमों का क्या लागू होते हैं। और औसत परिवर्तन लागत और प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाता है, इसका लागत पत्र कैसा हो जाएगा, प्रारंभिक अवस्था में गिरेगा, बल्कि उत्पादन में वृद्धि नियम लागत ह्रास नियम लागू होगा। जो उत्पादन में वृद्धि होगा या लागत ह्रास नियम किसमें लागू होगा, बिंदु की एक बिंदु के पश्चात उत्पत्ति ह्रास नियम लागत वृद्धि नियम लागू होने के कारण यह तीव्र गति से क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। जो वक्र है, मतलब जो उत्पादन, अगर उत्पत्ति ह्रास नियम इस पर लागू होगा तो जो लागत वृद्धि है वह क्या होगी, कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी और क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ने लगता है। फिर दूसरा है औसत परिवर्तनशील लागत क्या होता है? तो कुल परिवर्तन लागत के फर्म के उत्पादन में जो इकाई के, मतलब जो कुल परिवर्तनशील लागत है, मतलब आपने जो परिवर्तनशील उत्पादन में जो परिवर्तनशील लागत लगाई या फर्म के कुल उत्पादन की इकाई पर भाग देने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। मतलब जो आपका औसत लागत है वो जो कुल परिवर्तनशील लागत है, मतलब जो अगर किसी फर्म में अपन पैसा या मुद्रा या जो भी है अपन इन्वेस्ट कर, मतलब लगाएंगे, जो लागत लगाएंगे तो क्या कहेगी, वो कहलाएगी कुल परिवर्तनशील लागत। उसमें क्या करेंगे, उत्पादन की मात्रा, मतलब जब हम किसी फर्म में उत्पादन कार्य करेंगे तो जो उत्पादन की मात्रा है वह कितनी होगी, तो उसके अंतर्ष के अनुसार क्या होगी, परिवर्तनशील लागतें बदलती जाएगी। तो इसमें लिखा है कि भाग दिए जाने पर भजन फल प्राप्त होता है, उसे औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं। इस प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत भी कहा जाता है। तब जो कुल परिवर्तनशील लागत में फर्म में जो कुल उत्पादन की इकाई है उसमें क्या करेंगे अपन, भाग देंगे। तो ये हो गया औसत
मात्रा में क्या करेंगे, वृद्धि किए जाने से क्या होगी, उसमें वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, वह हमेशा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मतलब जो कुल परिवर्तनशील लागत है उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो वह हमेशा कैसी होगी, बढ़ेगी। मतलब हम कोई भी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो उसमें अगर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो वह हमेशा क्या होगी, उन्नति दर क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। चूंकि अल्पकाल मतलब कम समय के उत्पादन में क्षेत्रों में परिवर्तनशील लागत अनुपात का नियम लागू होता है। जो अल्पकाल के लिए किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे उस क्षेत्र में परिवर्तनशील जो अनुपात का नियम है वह उस पर क्या होगा, लागू होगा। और औसत परिवर्तनशील लागत वक्र कैसा होगा, प्रारंभिक अवस्था में कैसा होगा, गिर जाएगा। मतलब कोई वस्तु का अपन निर्माण करते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो नए नए उत्पादन में वह वस्तु की मांग कैसी होगी, कम होगी। उसका आरंभिक अवस्था में क्या होगा, वक्र कैसा होगा, गिरता हुआ होगा। क्योंकि उत्पादन वृद्धि में नियम लागत ह्रास नियम लागू होता है, किंतु एक बिंदु के पश्चात उत्पत्ति ह्रास नियम या लागत वृद्धि नियम लागू होने के कारण तीव्र गति से उसमें ऊपर बढ़ने लगता है। मतलब अगर एक बिंदु की आने तक एक मतलब एक बिंदु के पश्चात उस वस्तु की या उस उत्पादन की मांग क्या होगी, बढ़ेगी, तो उसमें क्या होगा, उसका जो वक्र है यह वृद्धि नियम लागू होने लगेगा और यह तीव्र गति से कैसे होगा, ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा। मतलब उसकी मांग क्या हो गई, अधिक हो गई तो वक्र भी। फिर है औसत कुल लागत। औसत कुल लागत से अभिप्राय होता है बच्चों कि उत्पादन की कुल प्रति इकाई की लागत, मतलब जो अपन ने उत्पादन किया उसकी उत्पादन की गई वस्तु की कुल प्रति इकाई की लागत। तो उस वस्तु की जो उत्पादन किया है अपन ने उसकी प्रति इकाई की लागत जो है उसके उत्पादन की कुल लागत है, उत्पादित इकाई की संख्या पर अपन क्या करेंगे, भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, औसत कुल लागत क्या होगा, प्राप्त होगा। तो औसत लागत कैसे प्राप्त करेंगे अपन, उसकी जो उत्पादन की कुल लागत है, जैसे उस वस्तु के उत्पादन की अपन ने कुल लागत लगाई है और कितनी मात्रा में अपन ने उत्पादन किया है तो उस उत्पादन की मात्रा का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, औसत कुल लागत क्या होगी, प्राप्त होगी। चूंकि कुल लागत परिवर्तनशील लागत एवं स्थिर लागत का योग होती है। मतलब जो आपको बता दूं कुल लागत परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत का योग होती है, औसत कुल लागत औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो जो भी कुल लागत ले लीजिए, परिवर्तनशील लागत ले लीजिए और स्थिर लागत ले लीजिए, इन सब के योग के बराबर स्थिर लागत के योग के क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। फिर इसके बाद है जब किसी फर्म की उत्पादन प्रक्रिया की जाती है, मतलब आपको बता दूं जो अल्पकालीन सीमांत लागत जो है वह यू आकार का क्यों होता है, जो ये है अल्पकालीन सीमांत, तो ये यू आकार का क्यों होता है, ये यू आकार का क्यों होता है जब किसी फर्म में उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब कोई फर्म है या कंपनी है उसमें जब उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है तब शुरुआत में सीमांत लागत कैसी हो जाती है, घट जाती है। मतलब जो वक्र है नीचे की ओर, किंतु साधन की निश्चित इकाइयों के नियोजन तक ही घटती है। इसे एक फर्म का साधन, मतलब जो एक फर्म है उसका साधन क्षमता का प्रतिफल क्या करता है, प्राप्त होता है। और सीमांत लागत कैसी रहती है, स्थिर होने लगती है। जो आपने लागत लगाई है वह कैसी हो गई, स्थिर हो गई। अंत में साधन इकाइयों का नियोजन कैसा हो गया, फिर है फर्म का साधन सीमांत प्रतिफल प्राप्त होने लगा। तो सीमांत लागत क्या है, आप
है एक एक अक्षीय OH मान लीजिए इसको और ये वाय हो गया मान लीजिए, जो सीमांत लागत है वो आपकी ये हो गई और उत्पादन आपका वो क्या हो गया OX हो गया। तो जो जो भी है सीमांत लागत कैसी है आपकी, जो सीमांत लागत है आपकी वो कैसी है स्थिर है, ये आपकी स्थिर हो गई। सीमांत लागत स्थिर होने लगी साधन की इकाइयों का नियोजन बढ़ने पर जो खासपान प्रतिकूल लागू हो जाता है, तो सीमांत लागत वक्त कैसा हो जाएगा आपका, अगर स्थिर है तो ये सीमांत लागत वक्त कैसा होगा आपका ऊपर की ओर उठने लगेगा, स्थिर होने का ऊपर की ओर उठने लगेगा। इस प्रकार उत्पादन प्रतिक्रिया की जो प्रारंभिक चरण में सीमांत लागत कैसी थी, घटती हुई थी, जो आपकी जो सीमांत लागत थी वो घटती हुई थी, वो क्या हो गई ऊपर की ओर जाने लगी, तो ये आकार कैसे हो गया यू आकार का। तो सीमांत लागत घटती है इसके बाद स्थिर होती है और अंतिम चरण में बढ़ने लगती है, इसी वजह से सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के यू अक्षर के बराबर होता है। तो एक छोटा सा ये प्रश्न है, अल्पकालीन सीमांत जो अल्पकालीन सीमांत वक्र है यू आकार का क्यों होता है, ये इस प्रकार का एक प्रश्न आता है परीक्षा में। तो जब आपकी सीमांत लागत कैसी होगी स्थिर होगी और जब ऊपर मतलब जो सीमांत लागत वक्र कैसा है ऊपर उठने लगता है, तो इस प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभिक चरणों में कैसी होती है सीमांत लागत, तो प्रारंभिक चरणों में सीमांत लागत नीचे की ओर घटती है, लेकिन इसके बाद जब अंतिम चरण में यह बढ़ने लगती है तो लागत वक्र कैसा हो जाता है ऊपर की ओर चला जाता है, इस वजह से सीमांत लागत अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा हो जाता है। तो आपको बता दूं अंग्रेजी आपका ये छोटा सा एक प्रश्न है, ये 3 या 4 नंबर का प्रश्न होता है, आपको ये अंग्रेजी का यू आकार का क्यों सीमांत लागत यू आकार का क्यों होता। फिर लागत वक्र आकृति यू आकार होने का महत्वपूर्ण मतलब इसके जो 4 भागों में बांटे गए हैं, जो यू मतलब यू आकार की जो आकृति है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग को क्या करता है प्राप्त करता है, इसकी आंतरिक वस्तुएं आंतरिक वस्तुओं को निम्नलिखित 4 भागों में क्या किया जाता है बांटा जाता है। तो पहला है इसका तकनीकी वस्तु उत्पादन, आकार होने का कारण इसका महत्वपूर्ण, तो उत्पादन की तकनीकी में सुधार होने से तब उत्पादन की जो तकनीकी है उसमें सुधार व बचत क्या होती है प्राप्त होती है, उन्हें तकनीकी वस्तुएं कहते हैं। और आधुनिक मशीनों बड़े आकार की मशीनों का प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में करता है अधिक मात्रा होता है, तो इससे प्रति इकाई लागत कैसी हो जाती है कम हो जाती है। फिर दूसरा है श्रम संबंधी वस्तुएं, तो श्रम संबंधी बचते तो विभाजन और विशिष्टीकरण का परिणाम होती है, बड़े 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 उत्पादन मतलब बड़े पैमाने पर जो बड़े उत्पादन बड़े पैमाने पर किए जाते हैं तो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का उतना अधिक संभव नहीं होता, परंतु श्रमिक की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है और उसमें क्या होता है प्रति इकाई जो प्रति इकाई उत्पादन है कैसा हो जाता है कम, प्रति इकाई लागत कैसी हो जाती है इसमें कम होने हो जाती है। फिर है विपणन की बचते, कोई भी फर्म जब अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने लगती है तो विक्रय की लागत कैसी होती है इसके अनुपात में ही मतलब जो विक्रय अनुपात है विक्रय लागत है उस अनुपात में नहीं बढ़ती और प्रति इकाई लागत क्या हो जाती है कम हो जाती है। फिर है प्रबंध की बचते, उत्पादन की मात्रा मतलब जो प्रबंध प्रबंध की बचते मतलब जो उत्पादन की मात्रा में बढ़ाने पर प्रबंध में होने वाले व्यय में क्या होती है कमी आती है, इसे प्रबंध की बचते कहते हैं। एक कुशल श्रमिक मतलब जो कुशल प्रबंधक होता है अधिक मात्रा में उत्पादन का प्रबंध कर उसी कुशलता से कर सकता है जितना कि थोड़े उत्पादन में या फर्म की इकाई लागत में कम हो जाती है, मतलब कोई फर्म की जो प्रति इकाई उत्पादन लागत, तो ये प्रबंध की बचते हो गया, इसके उत्पादन की मात्रा जब बढ़ने लगती है तो प्रबंधन
पर होने वाले वयों में क्या होती है, क्या आ जाती है, वयों में कमी आ जाती है। कब? जब आपकी उत्पादन की मात्रा कैसी होगी, बढ़ेगी। और इसे प्रबंध की बचते कहते हैं। और एक कुशल प्रबंधक अधिक मात्रा में उत्पादन व प्रबंध कुशलता भी क्या होता है, उसको कुशलता के साथ भी कर सकता है। तो आज आपने औसत लागत, परिवर्तनशील लागत इसके बारे में पढ़ा, और लागत वक्र यू आकृति का, सीमाकृत लागत वक्र यू आकृति का क्यों होता है, इस विषय पर आपने पढ़ा। और आपने पढ़ा लागत वक्र यू आकृति होने के प्रमुख कारण क्या है। तो आपको प्रश्न भी पूछा जाता है कि लागत वक्र यू आकृति का क्यों होता है, इसका कारण लिखिए। तो उनमें आपका आ जाएगा तकनीकी बचते हो गया, श्रम विभाजन हो गया, श्रम संबंधी मतलब जो श्रम संबंधी बचते हैं, और विपणन की बचते हैं, और प्रबंध की बचते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं आपके, ये लघु स्तरीय प्रश्नों के आंसर हैं। आप इनको देखोगे, परीक्षा की दृष्टि से आप इसकी तैयारी करोगे। धन्यवाद।